विधि व न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नामक तीन नए आपराधिक कानून जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। मेघवाल ने कहा कि आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव हो रहे हैं। उचित परामर्श प्रक्रिया और भारतीय विधि आयोग की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए तीनों कानूनों में बदलाव किया गया है। मेघवाल ने कहा कि ये तीनों कानून 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से लागू होंगे। उन्होंने कहा कि इन तीनों नए कानूनों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं सभी राज्यों में प्रदान की जा रही है। भारत में हाल ही में किए गए आपराधिक न्याय सुधार प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें महिलाओं, बच्चों और राष्ट्र के विरुद्ध अपराधों को सबसे आगे रखा गया है। ये औपनिवेशिक युग के कानूनों के बिल्कुल विपरीत है, जहां राजद्रोह और राजकोष अपराध जैसी चिंताएं आम नागरिक की जरूरतों से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हमें न्याय देना है नागरिकों को, इसलिए भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों अधिनियम आपके ध्यान में है। आप सब जागरूक लोग हो, जानते भी हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक हमारे जब ये कानून इंट्रोड्यूस हो रहे थे, हमारे होम मिनिस्टर जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे लोकसभा, तो एक भर्तरी मेहता आपके पड़ोस के राज्य के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बहुत सीनियर पार्लियामेंट है, उन्होंने एक बात कही थी जिसको मैं यहां कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 1857 के बाद जब अंग्रेजों ने देखा और क्राउन का शासन आया तो उनको कोडिफिकेशन करना था, कोई सोच विचार नहीं किया। एक आयरिश पैनल कोड था, ये उनका भाषण है लोकसभा में, ऑन फ्लोर बोला गया। उसके बाद मैंने पूछा भर्तरी मेहताब का, उन्होंने कहा मेरे पास बुक है जिससे मैंने कोड किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। लॉर्ड मैकाले ने अपनी तरीके से काम करना शुरू किया था, उसी में एक आयरिश पैनल कोड था, आयरिश शब्द हटा दिया और आयरिश की जगह इंडियन लिख दिया, इंडियन पीनल कोड।